भैया नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? गणपत सिंह शेखावत है जी। आपका एड्रेस? जनाना अस्पताल के पास, जयपुर पुष्कर बाईपास रोड, गांव कायड, जिला अजमेर। आपकी डेयरी फार्म का नाम? श्री हरी डेयरी फार्म। अच्छा, मैं आपके सामने एक प्यारी सी गिर नस्ल की गौमाता देख रहा हूँ, जिसके नीचे गिर लैंडो बच्ची है, है ना, गिर क्रॉस जिसको बोलते हैं। ये गौमाता पुष्कर मेले में आई है और इसका मैंने जहाँ तक मालूम किया है कि ये मिल्किंग में फर्स्ट आई है। जी, कितने लीटर का रिकॉर्ड रहा सर इसका? 27 किलो 300 ग्राम दूध दिया। 27 किलो 300 ग्राम। ये गुजरात की है, राजस्थान की है? राजस्थान की है। और आज तक का हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड भी आपका ही है जी। कितने लीटर का है वो? 41 किलो 960 ग्राम। 41 किलो 960 ग्राम, ठीक है। नीचे जो 39 किलो 600 ग्राम है वो भी मेरा ही है। आपका ही है, ठीक है ना। तो ये मिल्किंग में आपकी गौमाता फर्स्ट आई है और इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हो, या गिर के बारे में, जो लोग समझे गिर के बारे में? सर, गिर गाय बहुत ही शांत स्वभाव की होती है जी, लेकिन इनमें दो तरह की गायें होती है। एक शांत स्वभाव की गिर जो थोड़ी महंगी आती है, और एक कई लोग धावड़ी को गिर बोलते हैं। वो धावड़ी गायें हालांकि सस्ती तो होती है, लेकिन वो 2-2.5 महीने दूध आती है और वो सस्ते के चक्कर में परेशान होते हैं लोग। प्योरिटी क्वालिटी पैसा लगेगा, लेकिन आपको लंबे समय तक दूध देगी, लंबे समय तक सर्विस देगी। और जैसे लाल फूल हमारी गाय के बंदा है, हर किसान के घर पे बन सकता है जी। आपको पुष्कर मेले में आए हुए कितने दिन हो गए? सर, आज 5 दिन से हम यही हैं। आपको मेला मैदान से या प्रशासन से सहयोग मिला, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सहयोग मिला। ये हमारे यहाँ पे इंचार्ज रहे जी, इनका सहयोग हमें मिला और बहुत अच्छा सहयोग मिला। आप संतुष्ट हैं यहाँ के डिसीजन से, यहाँ की कार्यशैली से? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हूं जी। और आप, ये वाली गौमाता है आपकी, और आपकी एक गिर नस्ल की गौमाता है, और आपने इसको गिर लैंडो का टीका लगाया? सर, गिर लैंडो का टीका इसलिए लगाया क्योंकि जो किसान, नॉर्मल किसान जी, जो नॉर्मल किसान इतनी महंगी गायें होती है, उनकी इतने गिर लैंडो की कीमत भी कम नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले ही 4-4 लाख रुपए की गिर लैंडो अजमेर में बिकी है, 4.5 लाख रुपए की भी बिकी है। जी, तो लेकिन अगर ऐसी गायें घर पे अपन तैयार कर सकते हैं और उनसे उत्पादन ले सकते हैं, आज यहाँ पुष्कर मेले में जो रिकॉर्ड बनाए वो कई सालों का रिकॉर्ड बना है, 65.5 किलो दूध बहुत होता है, और जो गिर लैंडो जर्सी ने दूध दिया 53 किलो, वो भी बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। तो ये जो ये पंजाब वालियों को हरा के बना है, ये बिल्कुल पंजाब वाली जो बिना सिंगों की होती है, मैसी की बच्ची को इसने हराया है, मैसी की बच्ची को गिर क्रॉस गाय ने हरा दिया, गाय की एफएन ने हराया। तो अजमेर जिले की गिर क्रॉस गाय आप पंजाब से अच्छी मानते हो? बिल्कुल सर, हमारा इनमें मेडिकल का खर्चा नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल, महंगी जरूर होगी, और अगर इनका दूध की क्वालिटी 4.5 फेट की गिर क्रॉस की लगभग आती है जी, महंगी जरूर है, लेकिन इनमें मेडिसिन का खर्चा कुछ भी नहीं है। मैं ये गिर और एक मेरी गिर क्रॉस बच्ची है, सेकंड टाइमर, अभी आपको दिखाऊंगा मैं जी। वो गाय भी यहाँ मेले में उतारी मैंने, उसने 3 टाइम में 51 किलो 320 ग्राम दूध 20 दिन की बेबी ने देखे, बहुत अच्छा। कौन से लैक्टेशन में? सेकंड लैक्टेशन में, 6 दांत है, 6 दांत। उसने 51 किलो 320 ग्राम दूध दिया, जो कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 2 दांत कैटेगरी में, 4 दांत कैटेगरी में, ठीक है ना। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये गायें अपना घर छोड़ के आई है, घर छोड़ के आने के बाद लोग बोलते हैं कि गिर गाय अपना घर छोड़ देती है तो उसके बाद दूध नहीं देती है। तो मैं कहता हूं, अगर आप नॉर्मल गाय के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहेंगे तब ये दूध देगी। और एक बेत, जैसे मैं हूँ, इस गाय को अगर मैंने खरीदा है, अगले मालिक के पास इसने 13 लीटर एक टाइम का दूध दिया, उस लैक्टेशन में मैं जब इसको सेकंड टाइमर लेके आया तो इसने मुझे 10 लीटर से ऊपर दूध नहीं दिया जी। लेकिन इस बार इसने बहुत अच्छा मिल्क रिकॉर्ड घर पे करवाया, 26 लीटर 27 लीटर तक ये चली गई। अच्छा, लेकिन कुछ इसके प्रॉब्लम हो गई थी थन में, एक गाय ने दूसरे सींग मारा, मेस्टाइटिस हुई, और ये जो दूध इसने दिया 27 किलो 300 ग्राम इसने 3 थन में दिया, एक थन में केवल 100 ग्राम दूध आता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि गिर गाय अपना घर छोड़ के आएगी, एक साल वो दूध कम देगी जी, जस्ट नेक्स्ट उसकी जब जनरेशन या डिलीवरी होगी, आप वो आपको फुल पीक पे जाएगी, वापस पीक पे जाएगी, क्योंकि ये जब जहाँ ये डिलीवरी करती है उस घर से, क्योंकि ये गौमाताएं बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये अपने मालिक को पहचानती है, मालिक को पहचानती है, और उसके साथ घुलने मिलने में कुछ समय इनको लगता है, और तब तक ये दूध कम देती है, साथी कम है। और गिर गाय की डेयरी भी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सक्सेस हो पाती है, आप स्टाफ एक ही रखे संभालने वाला, चेंज करते रहोगे तो गाय उसको याद करेगी, नहीं होता है उस पर, आपको खुद को फोकस करना पड़ेगा जी। तो आप अपनी गाय से कितना संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ जी, इन्हीं गायों की वजह से। और आपका तो एक रिकॉर्ड रहा है, आपने साहिवाल गाय को भी
पंजाब हराके और गिर गायों में कौन कौन सी गायें आई थी वहाँ पे थारपारकर, राठी और गिर और जो भी देसी इंडिजियस ब्रीड है जी, वो साथ में लगी थी जी, सबको हरा के गिर गाय ने वहाँ भी मेरे, मतलब इंडियन ब्रीड की जितनी भी देसी गायें हैं सारी का एक साथ कॉम्पिटिशन होता हुआ और उन सबको गिरने हराया। गिरने हराया। अच्छा अच्छा। और 2016 मुखसर और अजमेर जिले की गिरने हराया। 2016 मुखसर, 2017 पटियाला और 2020 बटाला शो, तीनों अपनी गिर गाय ने तीनों शो जीते। यहाँ से 700 किलोमीटर दूर जाके और वहाँ उन सभी ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में वहाँ की सारी लोकल गायों को गिर गाय ने हरा के ये खिताब अपने नाम किया। अच्छा, मैं आपसे एक 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 सवाल और करना चाहूँगा इसी गिर के बारे में कि ये जो दूध का रिकॉर्ड है राजस्थान की गिर गायों का और गुजरात की गिर गायों का, हालांकि मेरे नॉलेज में नहीं है कि गुजरात में हाईएस्ट मिल्किंग कितनी रिकॉर्ड में है, पेपर के अंदर है। अपने घर पे बैठ के तो कोई भी कागज़ भर सकता है, पेडिग्री भर सकता है, लेकिन मार्केट में आके किस गुजरात में किस एरिया में अपनी गाय से राजस्थान की गाय से दूध का रिकॉर्ड आपने सुना है? सर मैंने नहीं सुना और होगा तो कमेंट के माध्यम से कोई बंदा बता भी सकता है, लेकिन ये रिकॉर्ड किसी भी सरकारी मेलों का ही मान्य है। अच्छा। घर पे तो गायें बहुत दूध दे सकती है, देती है, लेकिन घर छोड़ के और बाहर जाके ऐसे तंबुओं में रह के फिर जो गायें दूध न पाए वही असली गिर गाय में मानता हूँ। जी, 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 जो सुविधा के नाम पे ये ऐसे तंबू, रात को ठंड पड़ती है ऐसे तंबुओं में हम रहते हैं जी, और उसमें ये गाय सर्वाइव करके इतना दूध देती है जी, फिर तब मजा है सर जी। वो इस रिकॉर्ड को हम मानेंगे कि भाई इस रिकॉर्ड को किसी भाई के पास हो तो कमेंट के माध्यम से आपकी ये गिर लैंडो जो बच्ची है इसकी माँ इतने अच्छे दूध की है तो आप इसकी बेटी से क्या उम्मीद लगाते हो? सर मुझे इसकी बेटी से ये उम्मीद है ये फर्स्ट टाइमर में लगभग 28 लीटर दूध देगी पर डे का 28 लीटर जो कि एक एचएफ ब्रीड के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद भी सर अमलाबुल की है, अमलाबुल की है, वेब का जो अमलाबुल आता है 100% जी होलिस्टन जी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप 5 दिन से अपन साथ ही हैं जी, इस बच्ची की सभी ने तारीफ की जी जी जी, मैंने खुद ने मांगी है जी। तो ये बाबू जी कैसा लग रहा है जीत के, क्या इनको लग रही है आपने जीत? हाँ आपकी मेहनत है साहब के अंदर, ये बच्चों की मेहनत है, इन बच्चों ने ही सब कुछ किया।